तो भाई लोग, अगर मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूं कि WWE का ऐसा कौन सा सुपरस्टार है जो कभी डोमिनेट नहीं कर सकता, तो आप लोग के दिमाग में बस एक ही नाम आएगा, वो है हमारे रे मिस्टीरियो। बट आज की वीडियो में रे मिस्टीरियो ये सोच आपकी गलत साबित करने वाले हैं, बिकॉज आज की वीडियो में रे मिस्टीरियो डोमिनेट करने वाले हैं अंडरटेकर को, और ये बात वो आज साबित कर देंगे कि अंडरटेकर कि रे मिस्टीरियो कोई ऐसे सुपरस्टार नहीं है जो कभी डोमिनेट नहीं कर सकते WWE में। भाई वो कर सकते हैं, और वही वो चीज़ आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो यार ये चीज़ रे मिस्टीरियो कर सकते हैं कि नहीं, और हम लोग का सोच बदल सकते हैं कि नहीं, तो ये चीज़ आज रे मिस्टीरियो दिखाने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, गेम प्ले बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज तीन रे मिस्टीरियो के कैरेक्टर भिड़ने वाले हैं अंडरटेकर के तीन वर्जन के कैरेक्टर से, तो बहुत मजा आने वाला है। तो सब लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड बेल नोटिफिकेशन दबा दो। तो चलो भाई मैच को करते हैं स्टार्ट। तो चलो भाई साहब, रे मिस्टीरियो रेडी हो चुके हैं अंडरटेकर की टीम को डोमिनेट करने के लिए, और स्टार्टिंग डोमिनेट के साथ स्टार्ट कर दिया अंडरटेकर, और मैच में हमारे टकलू रेफरी भी हैं। और मैच के मैं आपको रूल्स बता दूं, मैच में एलिमिनेशन ऑन है प्लस भाई KO ऑन है। तो यार मैच में अचानक से यार अगर एलिमिनेशन हो गया तो समझ जाना कि हाँ भाई KO ने अपना असर दिखा दिया है। तो चलो भाई साहब, रे मिस्टीरियो का आज हम लोग को ये दिखाना है, जैसे कि रे मिस्टीरियो को लोग यार बहुत अंडररेटेड कहते हैं, कहते हैं यार कि ये ऐसा सुपरस्टार है जो कभी डोमिनेट नहीं कर सकता है WWE में, चाहे जो भी ओपोनेंट दे दो। बट आज रे मिस्टीरियो वो गलत करने वाले, क्योंकि मुझे यार सपने आया था यार, और सपने में बोला था यार कि सर मुझे कहते कि मैं कभी डोमिनेट नहीं कर सकता, बट आज मैं तुम्हारे गेम में डोमिनेट करना चाहता हूं, तो प्लीज मेरा अंडरटेकर के साथ मैच लगाओ। तो मैंने रे मिस्टीरियो को यस बोल दिया, और अंडरटेकर और टीम अंडरटेकर और टीम रे मिस्टीरियो का मैच करवा दिया है। तो यार ये बैक स्टोरी मैं आपको बता दे रहा हूं अंडरटेकर। चलो भाई साहब मैच में ध्यान देते हैं। अबे रे मिस्टीरियो क्यों भाई अपना क्रैश लैंडिंग करवा रहा है? रे मिस्टीरियो यार अभी स्टार्टिंग में डोमिनेट कर रहे थे, बट डोमिनेट अभी भी कर रहे हैं, बट अंडरटेकर इतना डोमिनेट अपने पे होने नहीं दे रहे हैं, वो भी भाई रिवर्सल पे कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। मैच में तीन रे मिस्टीरियो हैं, एक है हमारे एक तो गोल्डन वाले हैं, एक रेड वाले हैं, एक वाइट वाले हैं, और एक भाई साहब हमारे रेड वाले हैं, यानी कि अभी के टाइम के। चलो भाई हमारे रे मिस्टीरियो ने टैग दे दिया हमारे गोल्डन रे मिस्टीरियो को, और गोल्डन मिस्टीरियो रिंग में आ चुके हैं। तो भाई साहब अंडरटेकर डोमिनेट बिल्कुल नहीं करवाने दे रहे हैं अपने पे, वो भी खूब डोमिनेट कर रहे हैं। जहाँ तक है यार मेरा जहाँ तक सवाल है ना, तो रे मिस्टीरियो हो सकता है कि इस मैच को जीत जाए। अगर ये मैच अगर रे मिस्टीरियो जीत जाते हैं तो सारे पोजन गेमर्स की फैमिली प्लस जितने लोग व्यूवर्स देख रहे हैं सबको एक्नॉलेज करना पड़ेगा हमारे रे मिस्टीरियो को, और साथ ही साथ ये भी लिखना पड़ेगा कि रे मिस्टीरियो हाँ भाई ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि सामने वाले सुपरस्टार पे डोमिनेट कर सकते हैं। तो यार ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बोलना अगर ये मैच रे मिस्टीरियो जीतते हैं तो। और अभी अंडरटेकर ने टू स्टोन पाइल ड्राइवर लगा दिया रे मिस्टीरियो को, बट रोप ब्रेक ने यार रे मिस्टीरियो को सेव कर लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। शोकेस ने भाई शोकेस अंडरटेकर ने टैग दे दिया है हमारे अंडरटेकर 2002 को। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। वैसे इनका फिनिशर टूम स्टोन पाइल ड्राइवर नहीं है, बल्कि क्या था, द लास्ट राइड है। हाँ द लास्ट राइड है इनका फिनिशर, और ये वो हमारे भाई हैप्पी अंडरटेकर हैं, जिस टाइम अंडरटेकर हैप्पी हुआ करते थे, डेड मैन नहीं हुआ करते थे। भाई रे मिस्टीरियो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं भाई, बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर पा रहे मैच में। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा डोमिनेट करें, बट मेन फोकस मैच का है। अगर मैच जीत जाते हैं तो इसका मतलब डोमिनेट किया, अगर नहीं जीत पाए तो इसका मतलब डोमिनेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो सब कुछ यार मैच जीतने के ऊपर है, और मैच में ब्रॉल हो गया है रे मिस्टीरियो आगे बचाने के लिए। लास्ट राइड भाई साहब, लास्ट राइड का नाम लिया, ओह शिट भाई साहब रिवर्स कर दिया हमारे गोल्डन रे मिस्टीरियो ने। भाई साहब लास्ट राइड लगा रहे थे अंडरटेकर, और एक फिनिशर भी ले लिया है, गजब गजब गजब। ओ भाई क्या दिया उसने, रिंग साइड पे ब्रॉल हो गया है। इधर अंडरटेकर शोकेस अंडरटेकर और भाई साहब हमारे वाइट रे मिस्टीरियो भिड़ गए आपस में, और गोल्डन रे मिस्टीरियो ने टैग दे दिया हमारे अभी के रे मिस्टीरियो को, और अभी के अंडरटेकर और अभी के रे मिस्टीरियो दोनों भाई भिड़े हुए हैं रिंग में। भाई साहब मैच बहुत ओपी जा रहा है अभी मैच तो बहुत ओपी जा रहा है। अभी बताना बहुत मुश्किल है कि मैच में कब कि कौन जीत सकता है, और मैच में एक KO तो ऑन है, तो कभी भी पिन एलिमिनेशन हो सकता है हर मैच में। देखना ये है कि पहला एलिमिनेशन किसका होता है, जो भी टीम का पहला एलिमिनेशन हुआ ना वो टीम हारने का चांसेस बढ़ जाएगा। चलो भाई हमारे डेडेड मैन अंडरटेकर ने अगेन टू स्टोन का लैंड कर दिया, और रे मिस्टीरियो को अगेन टू स्टोन पाइल ड्राइवर, गजब भाई साहब गजब स्टंट करवा दिया रे मिस्टीरियो का, टकलू रेफरी पिनफॉल करते हुए, कोई बचा लो। चलो यार गोल्डन रे मिस्टीरियो ने आके बचा लिया है,
भाई साहब ये ब्रॉल क्यों रहा है यार रिंग साइड पे? रे बुशीरो और अंडरटेकर क्या क्या रहे हैं यार? रिंग को खाली करो यार। ये टेक्नोलॉजी से कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? उधर देखो यार अंडरटेकर पड़ा है, हमारे जवान अंडरटेकर, और इधर यार गोल्डन रे बुशीरो पड़ा है। क्या हो रहा है मैच में? ये क्या, ये कोई घुसड़ खाना बनाया है क्या? चलो भाई साहब शोकेस अंडरटेकर को टैग मिल गया है, और भाई साहब गोल्डन अंडरटेकर रे बुशीरो भाग गए। अब शोकेस वाले अंडरटेकर आ चुके हैं। ओ भाई ग्लिच हुआ, हल्का सा गेम, हल्का सा ग्लिच हुआ, अभी तुम लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं? ग्लिच हुआ है, चलो कोई बात नहीं, छोटा मोटा ग्लिच तो होता रहता है सेनोरिटा। भाई 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 लास्ट राइड लगा रहे हैं क्या? नहीं यार, मुझे लगा नहीं यार, ओल्ड मुझे लगा था ओल्ड स्कूल लगा रहे हैं, लगा था यार। बट यार रे मिस्टीरियो की टीम डोमिनेट नहीं कर पा रही, और पिटा भी ज़्यादा रही है। कहीं यार रे मिस्टीरियो कहीं यार हार ना जाए मैच में, हार गए तो यार रे मिस्टीरियो को दिल से बुरा लगेगा यार। बट चलो देखते हैं। अंडरटेकर ना फॉर्म में है यार, तीनों अंडरटेकर बहुत प्रो हैं। बस हमारे ना जो डेड मैन वाले अंडरटेकर हैं, यानी कि अभी 2020 वाले 2022 वाले अंडरटेकर, ये वाले अंडरटेकर इतने प्रो नहीं है। और देखा जाए तो शोकेस वाले और 2002 वाले अंडरटेकर, ये दोनों बहुत प्रो हैं 2K22 में। और रे मिस्टीरियो की जहाँ तक बात किया जाए तो रे मिस्टीरियो 2K22 में इतने प्रो नहीं है, भले ही वो कवर सुपरस्टार हैं 2K22 के, लेकिन इतने वो प्रो नहीं है। तो यार जीतने के चांसेस रे मिस्टीरियो के कम ही लग रहे हैं। आप लोगों ने प्रेडिक्शन दे दिया ना है, प्रेडिक्शन नहीं दियो तो दे देना। अंडरटेकर फुल डोमिनेट कर रहे हैं भाई, अंडरटेकर एक थोड़ा सा भी चांस नहीं दे रहे हैं रे मिस्टीरियो को कम बैक करने के लिए मैच में। और अंडरटेकर टॉप रोप पे चढ़ गया है, और भाई साहब ओ भाई कूद गए यार, क्या रे मिस्टीरियो गिरा नहीं सकते थे अंडरटेकर को। और अंडरटेकर भाई गोल्डन रे मिस्टीरियो को बाहर निकाल दिया हमारे शोकेस अंडरटेकर ने। भाई साहब अंडरटेकर क्या डोमिनेट कर रहा है यार, हमारे रे मिस्टीरियो का ना हालत खराब कर दिया है। रे मिस्टीरियो के पास तो 3 फिनिशर है, और अभी तक एक भी फिनिशर नहीं लगा पाए हैं, बल्कि अंडरटेकर ने रे मिस्टीरियो को 3 फिनिशर अब तक जड़ चुका है। तो यार अब रे मिस्टीरियो ने कम बैक नहीं किया ना मैच में, तो रे मिस्टीरियो अब भाई टाटा होने वाले हैं ये वाले रे मिस्टीरियो गेम से, क्योंकि हेल्थ बहुत कम है और एक फिनिशर और लगा तो भाई केओ अपना काम कर देगा और मैच से रे मिस्टीरियो को एलिमिनेट कर देगा। तो यार जो भी रे मिस्टीरियो को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज भाई प्रार्थना करो कि रे मिस्टीरियो पे अब फिनिशर ना लगे। रे मिस्टीरियो लोग यार पता नहीं कि फिनिशर का यूज नहीं कर रहे हैं, ना तो फिनिशर यूज कर रहे हैं ना तो सिग्नेचर, बल्कि अंडरटेकर की टीम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। अब रे मिस्टीरियो ने भाई अंडरटेकर, यार अंडरटेकर का नजर कहीं और था, और भाई साहब रे मिस्टीरियो ने टैग दे दिया मौका पाके, और अब आ चुके हैं गोल्डन अंडरटेकर रे मिस्टीरियो सॉरी टॉप रोप पे जाते हुए रे मिस्टीरियो, बट अंडरटेकर शोकेस वाले आगे रोकने के लिए, बट रोक नहीं पाया। भाई साहब अगर इस मैच में ना रे मिस्टीरियो अगर अपना फिनिशर यूज नहीं करेंगे, 100% है कि वो अपने मैच ये हारने वाले हैं। बस रे मिस्टीरियो अपने फिनिशर का यूज करें, क्योंकि मैच में केओ ऑन है, और फिनिशर केओ में फिनिशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लगाना। लेकिन रे मिस्टीरियो पता नहीं क्यों अपना फिनिशर को बचा रहे हैं, बचाने से कुछ होगा नहीं यार। रे मिस्टीरियो बचा के घर लेके जाओगे, डोमिनिक मिस्टीरियो को खिलाओगे क्या? इसलिए लगा दो अंडरटेकर को 619 लगा दो फटाफट से। टॉप रोप पे जा रहे बट कूद क्यों नहीं रहे हो बे? अरे ले यार रे मिस्टीरियो टट्टी कर रहा है यार बस मैच में आके, यार मुझे नहीं लग रहा है डोमिनेट कर पाएगा। हल्का सा भी अभी तक इसने बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं किया रे मिस्टीरियो से, रे मिस्टीरियो की टीम ने। लेकिन हम लोग का गोल था कि मैच जीतेगी तब इसको हम लोग डोमिनेटिंग डोमिनेट कहेंगे रे मिस्टीरियो को, अगर नहीं जीती तो नहीं, तो सब कुछ मैच के ऊपर है यार, जीतने के ऊपर है। और पिनफॉल तो चल ही रहा है भाई, केओ अब तक अपना काम केओ से तो यार किसी ना किसी को एलिमिनेट हो जाना चाहिए था यार, बट अभी तक कोई एलिमिनेट हुआ नहीं, तो इसका रीज़न पता नहीं क्या है। क्योंकि केओ यार बहुत जल्दी रे मिस्टीरियो इतने स्ट्रांग तो है नहीं 2K22 में, रोमन तो है नहीं जो कि यहाँ करीब 5 फिनिशर खाएंगे तब केओ के थ्रू आउट होंगे। ओ लास्ट शेट भाई, द लास्ट राइड खत्म, टाटा गुड बाय, गया रे मिस्टीरियो एलिमिनेट हमारे गोल्डन वाले। लो भाई ये करेंगे हमारे रे मिस्टीरियो डोमिनेट। बट यार अभी भी इतना उम्मीद खो मत यार, अब तो खोना ही पड़ेगा, इसको भी लग गया द लास्ट राइड। अबे वाइट रे मिस्टीरियो बचा ले यार, वाइट रे मिस्टीरियो का भी एनर्जी अच्छा खासा है। वाइट रे मिस्टीरियो ने अभी तक मैच में ज़्यादा आए नहीं है, रिंग में उतरे नहीं है। लेकिन यार जितने भी टीम रे मिस्टीरियो को सपोर्ट कर रहे हो अभी तुम लोग यार उम्मीद खो मत, बिकॉज 2v3 आराम से हो सकता है, केओ है ऑन है तो मैच में। बस फिनिशर ही तो मैं कह रहा था यार कि फिनिशर पहले यूज़ लगाएंगे ना तभी गेम में मात बनेगा।
अगर नहीं लगाएंगे तो यार कुछ नहीं उखड़ने वाला मैच में। वो शर्ट रे मिस्टीरियो कुछ कर रहे हैं, टॉप रोप से फिनिशर लगा रहे हैं। रे मिस्टीरियो फिनिशर का यार क्या गंदा सीन किए, फिनिशर लगाना यार रे मिस्टीरियो। बार बार टॉप रोप पे जा रहा है बट फिनिशर यार लगा ही नहीं रहा है। फिनिशर बचा के भाई इन लोग कुछ नहीं करने वाले। ओ शिट शिट भाई साहब, फाइनली रे मिस्टीरियो ने हमारे डेड मैन अंडरटेकर को एलिमिनेट कर दिया। ओ भाई साहब देखा, अंडरटेकर को एक ही फिनिशर पे रे मिस्टीरियो ने एलिमिनेट कर दिया। भाई ये है हमारे रे मिस्टीरियो, ओपी रे मिस्टीरियो। अब 2-1-2 बराबर हो चुका है। देखा मैंने कहा था ना कि रे मिस्टीरियो के जो सपोर्टर्स हैं प्लीज उम्मीद मत खो, बिकॉज अभी 2-3 हो सकता है आराम से। और फाइनली रे मिस्टीरियो ने 2-3 से 2-2 कर दिया है। अब आ चुके हैं शोकेस वाले अंडरटेकर 2010 वाले, 2 स्टोन पाइल ड्राइवर के लिए रेडी हो चुके हैं शोकेस वाले अंडरटेकर। एंड फाइनली उठा लिया है एंड भाई साहब एलिमिनेट हो सकते हैं। यस फाइनली हमारे ये वाले रे मिस्टीरियो भी एलिमिनेट। क्या है यार वैसे ये वाला रे मिस्टीरियो ना बहुत डैमेज था, बॉडी एंड हेड दोनों लाल था। अब केवल आखिरी बचे हैं हमारे वाइट वाले रे मिस्टीरियो जो कि है 2008 के रे मिस्टीरियो। अब सब कुछ इन्हीं पे है, अब इन्हीं को 1v2 करना है, इन्हीं को यार रे मिस्टीरियो का इज्जत बचाना है, इन्हीं को यार बताना है कि आखिर रे मिस्टीरियो भी डोमिनेट कर सकता है। अब सब कुछ इन पे है तो देखो भाई अब ये अंडरटेकर एंड भाई डेड मैन अंडरटेकर को हरा पा देंगे नहीं। टॉप रोप पे जा रहे हैं, पक्का फिनिशर का तैयारी में है। और हाँ भाई फिनिशर लगा दिया अंडरटेकर को, अंडरटेकर 2002 वाले को, बट पिनफॉल केओ के थ्रू एलिब्रेट नहीं हुए हैं क्योंकि ये वाले अंडरटेकर का भी एनर्जी अच्छा खासा है। दूसरा फिनिशर ये हुई ना बात, इस पर एलिमिनेट हो सकते हैं। ओ यार ये फिनिशर था ना यार, हाँ यार फिनिशर था बट इस पर भी एलिमिनेट नहीं हुए हैं। दो लगा दिए ना, तीसरे पे बन जाएगा काम, एक और फिनिशर लगा दो रे कसम से पास बन जाएगा। अबे यार रिवर्सल हो गया, ये वाला लग जाता ना तो तीन फिनिशर पे अंडरटेकर का भाई बाप भी नहीं बचा सकता था, केओ के थ्रू पक्का एलिमिनेट था। अरे यार लेकिन यार रे मिस्टीरियो का किस्मत नहीं अच्छा था, उसने रिवर्सल कर दिया अंडरटेकर सर ने। चलो भाई अब देखते हैं 1v2 यार रे मिस्टीरियो कर सकते हैं यार, कम ऑन रे यार 1v2 करना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं होता कब कर 1v2 कर लेता यार, बट यार मैं तो प्रो हूँ यार 2K22 में। द लास्ट राइड नहीं यार, द लास्ट राइड नहीं है ये। ओ रिंग से बाहर फेंक दिया बहुत ही बेइज्जती करके, अंडरटेकर गला काटेगी रे मिस्टीरियो का। टकलू रेफरी पिनफॉल कर काउंटर स्टार्ट करते हुए, अबे टकलू के कुछ मारू यार, मैं होता ना मैच में टकलू रेफरी को एक दो भाई मारता जरूर हूँ एक दो बार। चलो रे मिस्टीरियो आ जाओ यार, रे मिस्टीरियो के पास वैसे फिनिशर है ही नहीं यार, फिनिशर की वजह से हो सकता है रे मिस्टीरियो को मैच हाथ से चला जाए फिनिशर की वजह से। बिकॉज यार दोनों अंडरटेकर को मिला के 3 फिनिशर है। और चलो फिर से आ चुके हमारे द डेड मैन अंडरटेकर 2010 वाले, और आते ही 2 स्टोन की तैयारी पे थे बट यार रे मिस्टीरियो ने लगाने नहीं दिया। और इसी के साथ साथ एक क्रॉस लाइन ओपी रे मिस्टीरियो, अब थोड़ा सा यार करना स्टार्ट कर दिया मैच में। ये वाला अंडरटेकर एलिमिनेट हो सकता है 2010 वाला, बट यार सिग्नेचर फिनिशर कुछ नहीं है ना, सिग्नेचर फिनिशर यार रे मिस्टीरियो को हरवाएगा लग रहा है मेरे को। 619 लगाओ यार रे मिस्टीरियो 619 का यूज ही नहीं कर रहा है फिनिशर। ओ भाई रे के पास फिनिशर आया बिना टाइम वेस्ट किए फिनिशर, बट अंडरटेकर अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए, वो स्टिल अभी भी मैच में टिके हैं। भाई साहब ये दोनों अंडरटेकर को एलिमिनेट करने के लिए ना कम से कम रे के पास 3 फिनिशर तो चाहिए। ओ 619 अबे साले अंडरटेकर बीच में आ गया, अबे यार रास्ते में अंडरटेकर आ गया, वरना 619 देने वाले थे रे मिस्टीरियो। क्या है यार कांड हो गया मैच में। चलो यार अरे यार ये 1v2 वाला हैंडीकैप मैच बन गया यार, हैंडीकैप मैच बन गया रे के लिए। अब रे को यार बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा मैच को जीतने के लिए। और फाइनली 2 स्टोन पाइल ड्राइवर अगेन, इस पे रे मिस्टीरियो नहीं एलिमिनेट हुए हैं, अभी भी रे के अंदर बहुत जान बाकी है। पिनफॉल नहीं होगा यार, रे मिस्टीरियो इतने कच्चे सुपरस्टार्स नहीं है क्या कि वो इतने बस एक ही दो टू स्टोन पे हार मान जाए। चलो अंडरटेकर 2002 वाले हैं भाई, ये एक हैंडीकैप मैच बन गया यार। अब रे मिस्टीरियो को जीतने के लिए मैच में हैंडीकैप मैच लड़ना पड़ेगा। चलो रिवर्स हो गया, ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ भाई 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 घस, ओ शिट रे मिस्टीरियो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं भाई मैच में।
इसी स्ट्रगल के लिए एक लाइक के बटन को दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फाइनली 619, ये वाला 619 पक्का 100% लगेगा। 1, 2, 3 एंड भाई साहब 619, ये हुई ना बात। रे मिस्टीरियो 619 लगा दिए, बट अभी भी अंडरटेकर एलिमिनेट नहीं हुए, वो स्टिल मैच में टिके हैं। वाओ यार, अंडरटेकर के पास कितना एनर्जी है। देखा अंडरटेकर ने बचा लिया आगे, और अब भाई 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 जा रहे हैं टॉप रोप पे, पिनफॉल सब। ओ शिट, फिनिशर लगा रहे हैं, फिनिशर। और इसी के साथ साथ ये अंडरटेकर भी होते हैं एलिमिनेट। 2002 के अंडरटेकर एलिमिनेट होते हैं भाई साहब। रे मिस्टीरियो ने क्या ओपी खेला यार, 1v3 से भाई 1v2 1v1 कर दिया। ये यार गजब की बात है भाई, गजब कर दिया यार रे मिस्टीरियो ने। अब फाइनली 2-stone पाइल ड्राइवर अगेन लगा दिया अंडरटेकर शोकेस वाले ने। भाई साहब अब मैच में थोड़ा सा मजा आना स्टार्ट हो गया है, मजा आ रहा है मैच में, क्योंकि 1-on-1 बराबर हो चुका है। अब या तो रे मिस्टीरियो या तो अंडरटेकर, अब आर या फिर पार का लड़ाई होगा। तो यार रे मिस्टीरियो अगेन जा रहे हैं फिनिशर लगाने के लिए। चलो भाई साहब 1, 2, 3 अंडरटेकर उठ जा। एंड भाई साहब, ओ भाई ग्लिच था क्या यार, ये भाई ग्लिच हुआ है क्या गेम। भाई साहब घुमा के अगेन टीडीटी रे मिस्टीरियो की तरफ से आगे। अब तो यार ये अब सिग्नेचर की तरफ जा रहे हैं अंडरटेकर रे मिस्टीरियो। चलो भाई उठ जाओ। एंड भाई साहब रे मिस्टीरियो का सिग्नेचर, ओ शिट व्हाट, ये क्या था भाई साहब। रे मिस्टीरियो का अटैक रिवर्सल कर दिया अंडरटेकर ने, रिवर्सल करके जोक स्लैम लगा दिया, पावर बॉम्ब लगा दिया, और उससे भाई रे मिस्टीरियो केओ के थ्रू एलिमिनेट हो गया। रे यार एक मौके के लिए लगा था कि रे मिस्टीरियो जीतने वाले, बट भाई साहब जीत गए हमारे टीम अंडरटेकर। तो चलो भाई अब आप लोग की बारी है, कमेंट में बताओ गेम प्ले कैसा लगा, कमेंट्री कैसे लगी, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बिकॉज बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। तो चलो भाई थैंक यू सो मच, बाय बाय। और रे मिस्टीरियो फाइनली नहीं जीत पाए और अंडरटेकर की टीम जीत गई और स्टैंड टॉल करते हुए। तो चलो भाई बाय बाय।